जिलाध्यक्ष अमित कुमार सिंह जी और हम लोग बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशक के पद पर कार्यरत हैं। हम जुलाई 2013 से पिछले 9 वर्षों से ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और विभाग में सेवा दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अभी भी 7,000 रुपए सालों से सेवा दी तो हमको अब हमारा हक मिलना चाहिए। आप हमें नियमित करें जिससे हमें हमारा अधिकार मिले। चलो ठीक है, तो महिला को बुलाइए, आगे बुलाइए, मैंने तो हटाई दो चप्पल पीछे करा दो। प्रदर्शन दिखा रहे हैं, प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से ये अपना ज्ञापन योगी जी तक पहुंचाना चाहते हैं। तो यहां पे हम लोग हैं, सर क्या क्या मांगे हैं? नियमितीकरण, नियमितीकरण, इनको हमारी सारी समस्याएं उससे हल हो जाए, होनी चाहिए, मानदेय भी बढ़ना चाहिए। उमेश यादव है और मेरा सरकार से निवेदन है कि अनुदेशकों की नियुक्ति 2013 में, उस समय अनुदेशकों को 7,000 रुपये मानदेय मिलता था। 9 सालों का सेवा बेसिक शिक्षा में अनुदेशक दे चुका है, पूरी मेहनत से अपनी सेवा दे रहा है, लेकिन सरकार में अभी करो और जल्दी करो, अभी करो और जल्दी करो, अभी करो और जल्दी करो, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, 2023 स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं, 2023 स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं, 2023 स्वीकार नहीं, बाजार में दम नहीं, नियमितीकरण से कम नहीं, बाजार में दम नहीं, नियमितीकरण से कम नहीं, बाजार में दम नहीं, नियमितीकरण से कम नहीं, अरे एक तो जिंदाबाद, 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 अरे एक तो जिंदाबाद, 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 अरे एक तो जिंदाबाद, 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 अरे करो और जल्दी करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो और जल्दी करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो और जल्दी करो, हमको परमानेंट करो, नहीं किसी से भी कभी से हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भी हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भी मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं, धन्यवाद की बात करेगा, वही प्रदेश पर राज करेगा, धन्यवाद की बात करेगा, मुख्यमंत्री जी वादा निभाओ, लखनऊ में
हमारे जिलाधिकारी जिलाधिकारी हमारी पीड़ा है और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अभी भी समय है जनता लगने में यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं ये तो आने वाले समय में आज इनके हाथों में है क्या हमारे हाथों में रह जाएगा अगर ये हमको स्थायी नहीं कर सकते तो हम स्थायी नहीं करेंगे। देखिए आप 2022 का चुनाव नजदीक है, इस हिसाब से मैं बात करूँ कि चुनाव में सब लोग का एक ही नजर है कि चुनाव में उपचुनाव होने के बाद किस तरह काम करेंगे, कैसे ये लोग इस हिसाब से अच्छा अच्छा डीएम साहब कार्यालय में माध्यम से लोग उनको लिखित तौर पे देंगे अपना जो भी मांग है डीएम साहब तक पहुंचाने के बाद वहाँ ठीक है। तो आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि हम लोग उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशक हैं और पिछले 9 सालों से विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं। हमारी प्रमुख डिमांड ये है कि हम जो पिछले 9 सालों से सेवा दे रहे हैं तो अब हमें प्रदेश सरकार नियमित करे, हमारी एक डिमांड और एक डिमांड केवल नियमितीकरण है। हम लोगों ने पिछले 9 सालों में बहुत बुरे दिन देखे हैं, प्रदेश सरकार का रवैया हम लोगों के प्रति काफ़ी नकारात्मक रहा है। एक बार पिछली गवर्नमेंट में हम लोगों का 1470 रुपये बढ़ा था, बढ़ोतरी हुई थी, इसे वर्तमान सरकार ने आने पर 17,000 कर दिया, लेकिन वर्तमान सरकार ने हमारे साथ इतना अन्याय किया कि 1470 रुपये की कटौती कर ली और हमारी 3 महीने मानदेय की रिकवरी भी कर ली और 7,000 रुपये में पुनः कर दिया। हम न्यायालय की शरण में गए, माननीय न्यायालय की दोनों खंडपीठ लखनऊ और इलाहाबाद की खंडपीठ ने हमारे पक्ष में सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया कि 17,000 रुपये इन्हें मानदेय प्लस 9% ब्याज जोड़कर जो इनके साथ गलत हुआ है, हरासमेंट जो इनका हुआ है उसको जोड़कर सरकार को आदेश दिया गया। लेकिन पिछले 4 साल से आज हम डबल बेंच में लड़ भी रहे हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन पिछले 4 सालों से 17,000 रुपये मानदेय हमको नहीं मिला। चुनाव के समीप हमको 2,000 रुपये का झुंझुना माननीय योगी जी द्वारा बढ़ा के हमारी वृद्धि की गई। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए और 2,000 रुपये हमको स्वीकार नहीं है। हमारी केवल एक मांग है कि हमें 17,000 रुपया मानदेय जो हमारा हाईकोर्ट का आदेश है उसको तुरंत जारी करे राज्य सरकार, और इसके अलावा हमारी जो मुख्य मांग है नियमितीकरण की उस आदेश को भी तुरंत अपने घोषणा पत्र में शामिल करते हुए हमें जारी करें। क्या लगता है सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है तो आगे आप लोग कहां तक करेंगे? अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम युवाओं ने इस सरकार को लाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, पूरी ताकत से हमने इस सरकार को लाया है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो 2022 में हम सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।